भारी। स्टूडेंट क्लब एक ऐसा क्लब है सर कि इसकी कहानी बहुत पुरानी है। स्टूडेंट क्लब के अंदर तीन गेम आते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और एथलीट। हर क्षेत्र में मेरा क्लब बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वैसे सुना गया होगा सुब्रतो कप टूर्नामेंट जो होता है सर, उसमें यहाँ दो खिलाड़ी प्रेजेंट हैं, उस्ताद जी जिन हैं और मैं, सुब्रतो कप खेल चुका। तो अमनौर में ऐसा स्पर्धा है सर कि अगर आप जैसे लोगों का प्रोटेक्शन मिले तो हमारे खिलाड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कहीं भी अपनी कसर नहीं छोड़ पाएंगे। और वो गुण आप में है, खेल के प्रति आपका रुचि है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और विगत कोई बड़ा आयोजन होगा तो मैं विस्तृत रूप से इसको रखूंगा कि आखिर स्टूडेंट क्लब में कौन से ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, कौन से ऐसे ऐसे लोग हैं कि इस क्लब को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का कार्य करते हैं। समय बहुत कम है और आपका भी काम बड़ा ये है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन हम आपके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि मेरे छोटे आयोजन में जब आपका इतना बड़ा योगदान है तो एक विस्तृत आयोजन करूँगा और उसमें आपका योगदान रहे। इन जी शुभकामनाओं के साथ मैं छात्रों के बीच, खिलाड़ी तो हमारे ऐसे हैं सर कि यह खिलाड़ी खेल के मैदान में, अक्सर एक दूसरे का दुश्मन होते हैं, लेकिन खिलाड़ी खेल के मैदान के बाहर एक दूसरे के साथ होते हैं। तो खेल की भावना से हम खिलाड़ियों को ऊंचाई तक पहुँचाते हैं, हम अपना वर्चस्व लड़ाते हैं। और अमनौर के खिलाड़ी वैसे हैं कि जंगे मैदान में शेर की तरह दहाड़ देते हैं और जहां भी जाते हैं अपने कर्तव्यों से अपना परचम लहरा देते हैं। यही मेरी शुभकामना है और मैं सुजीत जी से कहूंगा कि मैं एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहा हूं, उसमें आपका योगदान हम तो चाहेंगे कि आपका पद ऐसा है कि एक बरस 6 महीना में इधर उधर हो जाता है। आप जैसे लोगों को तो हम चाहेंगे कि बराबर हम नौड़े में रख लें, लेकिन मेरे पास पावड़े नहीं कि मैं रख लूँ। अगर ऐसा होता तो आप जैसे लोगों का मुझे ज़रूरत था और हम रखते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सर ने बताया, सर ने, और एक और चीज़ है कि सर शायद भूल रहे हैं, एक फैंसी खेल होने वाला था, बहुत बड़ा आयोजन होने वाला था जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग बना प्रशासन के होने वाला था, लेकिन सर के साथ ही एक ऐसी घटना घटी और शायद आप भूल रहे हैं कि उसका मुख्य अतिथि हम लोग डीजीपी के लिए बात किए थे, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था आने के लिए, लेकिन ब्रिज सर के साथ ही एक ऐसी घटना घट गई कि नहीं हो पाया। खैर, दुर्भाग्य है, भविष्य में अगर समय साथ दिया तो होगा। अब मैं स्थानीय क्षेत्र के युवा दरोगा यानी कि कुंदन तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी दो बातें रखें जो स्टूडेंट स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहित करें। इस क्लब के अध्यक्ष ब्रिज जी, सचिव ब्रिज जी और उस्ताद जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे थानाध्यक्ष महोदय सुजीत कुमार चौधरी जी, बूढ़ी जी और मीडिया के बंधु जी, और आप लोग एथलीट महिला और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर भाग लिए, काफ़ी अच्छा लगा। ये स्पोर्ट अगर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाता है और अगर इसमें सफलता नहीं भी मिलती है तो हमारा इसे स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लगता है कि सभी लोग 20 साल से कम के ही लोग हैं, और अच्छा लगा। एक मतलब कि इस क्लब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज में ऐसा मतलब कि प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध कराए ताकि यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जो है इस तरह का प्रतिभा में ये लोग भाग ले पाए, तो बहुत बड़ी बात है इस क्लब के लिए। नहीं तो ऐसा बहुत कम ही मिलता है कि समाज के लिए कोई अच्छा काम होता है, और इसलिए ये चीज़ अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए और विभिन्न प्रतियोगिता में आप लोग आगे जा करके और भी अच्छा करें। सिर्फ नौकरी ही नहीं, आप लोग खेल में भी आगे बढ़िए, और मेरी ये शुभकामना है कि आप लोग का लक्ष्य आप लोग प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।
अब मैं इस क्षेत्र के अमनौर परी क्षेत्र के अमनौर थाना क्षेत्र के SHO श्री सुजीत चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बातों से पोस्टमैन अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, उच्च महोदय, हमारे अभिभावक, हमारे जो मित्र हैं मनीष जी, इन सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए एथलेटिक्स एक बहुत एक अच्छा चीज़ है। हम ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, हमको नहीं आता कुछ ज़्यादा बोलना, लेकिन शॉर्ट में मैं बोलूँगा। इंग्लिश आता है ठीक समझे? नहीं इंग्लिश नहीं, हम लोग जिस समाज में हैं वहाँ भी बोलेंगे। मैं खुद एक केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट रहा हूँ और मैं बेस्ट एथलीट अपने KVS का रहा हूँ। 100 मीटर 10.15 में मैं कवर किया था। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट में मेरा उतना ज़्यादा नहीं था। हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर 400 मीटर और पढ़ने में भी मैं एवरेज था। मैं इसलिए ये चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि एथलेटिक्स जो है, ख़ास करके जब भी हमने देखा हाई जंप जो आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा था। सिर्फ थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा हल्का सा कमी आप लोग में। हम जान रहे हैं कि मॉर्निंग से आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा थक गए थे। जोश और जुनून वो चीज़ कायम कर कर के रखिए। रही बात होने के लिए, जो आदमी कोशिश करता है वो हारता नहीं। जैसे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आपको याद होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वो लहरों से भी लड़ते हैं, पहाड़ों से भी लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कभी हार नहीं होती। उसी तरीका से हम सभी लोगों को, कंपटीशन तो मेरा है ही, मैं हम लोग का मोटिव तो है ही, चाहे वो कांस्टेबल का वैकेंसी हो, चाहे वो SI का निकलता है, ठीक है। सो हम लोग चाहेंगे वी मस्ट बी ट्राई टू डू इट। हम लोग को मन में भावना ही रखना है कि हम लोग कर लेंगे। ये नहीं, मान लीजिए मेरा फर्स्ट अटैम्प में नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प में और हम जोश जुनून से लेकर करेंगे। ये चीज़ सीखना है हम लोग की। फर्स्ट टाइम में जैसे हमने देखा कि यहाँ कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे से ही हाई जंप कर ले जा रहे हैं। कहाँ से हमसे मिस्टेक हुआ? वी मस्ट बी फाइंड आउट। हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम पीछे से जा रहे हैं, यहाँ पर से। जैसे एक बच्ची को अभी देखे, स्टेप लीजिए, लास्ट 5 का लीजिए, 7 का और डिजिट में लीजिए, जब भी लीजिए और डिजिट में लीजिए। लास्ट स्टेज जो ले रहे हैं उसको थोड़ा जंप करके कीजिए, क्योंकि वही जंप आपको यहाँ पर कोऑपरेट करेगा। कोच हमारे हैं मनीष जी, अच्छे से समझा रहे हैं, नवीन भाई भी है, बहुत अच्छे से सब समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अपने जीवन में ये सब चीज़ किए हैं। तो ये चीज़ रहेगा 100%। हम कह रहे हैं कि 60 हुआ, हम जैसा भी आप लोग का परफॉर्मेंस देखे हैं, 100% आप लोगों का होगा। पढ़ाई लिखाई के लिए तो नवीन पूरे हैं, बाकी सचिव लोग हैं, मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये चीज़ जो आपकी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये दोनों बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसा चीज़ नहीं कि कैसे बोले नवीन भैया कि मोटा लोग नहीं, नहीं मोटा लोग भी करता। मेरा एक दोस्त है आशुतोष नाम का, एक लड़का है, इसका वेट हम लोग जिस समय मेरी 25-26 था, उस समय उसका 40 kg था, लेकिन फिर भी वो 5.5 feet हुआ हाई जंप मार देता था। सिर्फ टेक्निक है, हाई जंप कोई बहुत बड़का ये चीज़ नहीं है, उसको सिर्फ टेक्निक से उसको यूज़ किया जाता है। कुछ बच्चे जैसे मंकी टाइप में मार दे रहे थे, वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, बगल में से पैर नहीं उठ पा रहा। सिर्फ टेक्निक पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा तो ईच एंड एवरी वन कैन मस्ट बी अचीव द टारगेट। पक्का कर लीजिए, किसी तरीका से उसमें कमी आपको महसूस नहीं होगा। तो हम यही चाहेंगे, हमसे जहाँ तक मदद होगा, जैसे कैसे बोले कि प्रशासन, और नेक्स्ट टाइम यदि सब चीज़ सही रहा तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी ग्राउंड पे प्रशासन एक अलग होकर के और एक प्रेस या जनप्रतिनिधि 11 मिल करके दोनों हम लोग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी और हम चाहेंगे नवीन भैया को भी, सब आप लोग भी आइए, हम लोग भी, हम भी क्रिकेटर रहे, केंद्रीय विद्यालय से नेशनल किए हैं क्रिकेट में, एथलेटिक्स में। हम रामगढ़ में गए थे, झारखंड में एक रामगढ़ है, वहीं पर हमारा हाई जंप लॉन्ग जंप नेशनल में रन नहीं हो पाया था, नेशनल के लिए हम छट गए थे खुद के, लेकिन शुरू से रहता हमारी चाहत रहती है कि एथलेटिक्स में हो या क्रिकेट में जाए। लेकिन ऐसा सर्विस है, आप भी यदि आइएगा पुलिस में, चाहे किसी भी पद पर आइएगा, इतना वास्ट है कि आप उसमें बसते चले जाएगा, टाइम ही नहीं मिल पाता।
तो हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी हमको बुलाया जाएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम, हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ अपना कुछ समय व्यतीत करें। इसी सब शब्दों के साथ आपसे और उम्मीद करते हैं कि इस तरीका से और अच्छा हमारे करें और हमको भी मिला, हम भी आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। थैंक यू। हम सबके बीच में सर चूंकि देरी से आए हैं,